पांड्या अगली गेंद को ड्राइव किया ऑन द राइज ऑफ साइड में डीपिश कवर से बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक से आकर गेंद को फील्ड किया गया। एक रन और बना 120 में दो ओवर की समाप्ति के साथ। इस ओवर के प्रायोजक सर्वो इंडियाज फेवरेट लुब्रिकेंट फ्रॉम इंडियन ऑयल। दिस क्रिकेट कमेंट्री ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ऑल इंडिया रेडियो इन एसोसिएशन विद चैनल 2 ग्रुप एक्सक्लूसिव ऑडियो ग्लोबल राइट्स होल्डर। तो दो विकेट गिरे हैं, 120 रन बन गए हैं। बहुत ही जबरदस्त संघर्ष चल रहा है बल्ले और गेंद के बीच में। भारतीय बोलर्स कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से बल्लेबाजों को परेशान रखें और उनको खामोश रखें, विकेट गिराने की कोशिश करें, क्योंकि बल्लेबाज ऐसे में जोखिम उठाता है। जोखिम उठाया भी, लेकिन दो गलत स्ट्रोक फील्डर के पास नहीं गए, ये किस्मत की बात थी। और हालांकि बोलर्स का देखें तो पांड्या ने अब फिर से लाए गए बुमराह। पांड्या ने ओवर्स किए थे, महंगे साबित हुए, लेकिन विकेट लेने के नजदीक भी दिखाई दे रहे थे। और बुमराह जिन्होंने एक विकेट लिया है 10 रन देकर, उनको वापस लाया गया। वे बॉलिंग करेंगे विलियमसन को। विलियमसन खेल रहे हैं 56 रन पर, टेलर खेल रहे हैं 22 रन पर। दूसरा पावर प्ले चल रहा है इस समय। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और धीरे से स्टीयर किया थर्ड मैन की तरफ और विकेट काफी धीमा हो चला है इस गेंद से ही पता। हालांकि रफ्तार भी 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ही थी, उससे भी पता चलता है कि ये पहली गेंद है शायद कम रफ्तार की उनकी हाथों से निकली। जब पहली नई गेंद मिली थी तब तो 146 147 किलोमीटर प्रति घंटे की आग उगलने वाली बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अब हाथ और देखना है कि वो कितना प्रभाव गिराते हैं। विकेट की तलाश है विराट कोहली को और इसी के लिए वो तलाश भी कर रहे हैं। पूरे मैदान पर भारतीय तिरंगे झंडे लहराते देखे जा सकते हैं, ऐसा लगता है कि यहां मैदान पर भारत उतर आया हो। अगली गेंद थी और धीरे से पुश किया ऑफसाइड में पॉइंट की तरफ। एक रन लेना चाहते थे लेकिन कॉलिंग उनका बहुत अच्छा है, तुरंत उन्होंने ना कर दिया और जो दो विकेट गिरे सबसे पहले आउट होने वाले थे गप्टिल, जिन्हें स्लिप में कैच किया था और फिर बोल्ड किया था निकल्स को बहुत ही खूबसूरत गेंद पर जडेजा ने, जबकि बिल्कुल फुटवर्क नहीं दिखाया और अपनी जगह खड़े खड़े खेलने की कोशिश की थी और बैट और पैड के बीच में जडेजा की वो गेंद निकल्स के मिडिल स्टंप ले उड़ी थी। अब बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर की ये दूसरी गेंद, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और ये कैच गया विकेट कीपर के पास और धोनी के हाथ से वो कैच छूट गया। बहुत ही निराश होंगे धोनी, साधारणतया इतने बड़े विकेट कीपर, बैट का बाहरी किनारा भी लिया और डाइव भी किया अपने दाहिनी तरफ धोनी ने, लेकिन उनके हालांकि लो कैच था, मुश्किल था, लेकिन धोनी की काबिलियत के मुकाबले बहुत मुश्किल नहीं, ऐसे कैचेस लेते रहे और कैच डिप भी हो रहा था ये बात भी थी, लेकिन धोनी ने तमाम कोशिशों के बावजूद उसे नहीं ले पाए और बुमराह ने काफी दुख से वापस पलट कर अब बॉलिंग मार्ग की तरफ जा रहे हैं। ये मौका जाया हुआ, बहुत बड़ा मौका था। टेलर 22 रन पर खेल रहे थे और थोड़ी हाथों में भी लगी दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे ही कैच लेने के लिए आगे की तरफ झुकने की कोशिश की थी जमीन पर दस्ताने टके तो बुमराह जैसे ही आए फिर से परेशानी, फिर से अगली गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश की। टाइमिंग फिर से नहीं जम रहा टेलर का और बैकफुट से खेलने की कोशिश कर रहे हैं अधिकांश गेंदें, यही कारण है कि टाइमिंग नहीं और वो कैच डिप हो रहा था। मुश्किल जरूर था, आगे की तरफ डाइव करके इस तरह कैच लेना मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल काम को धोनी अक्सर आसान कर देते हैं। लेकिन यहां पर उंगलियों पर लगी भी लेकिन कैच छूट गया। कि अगली गेंद इस बार मिडिल लेग स्टंप पर थी और टर्न के ऑन साइड में, और यही बात है बुमराह की विशेषता है कि बल्लेबाज को उनको सम्मान देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की पिछली गेंद और धोनी दिखाई दे रहे हैं और हो भी क्यों नहीं देखे, ये मौका जाया हो गया, सुनहरा मौका था, ये छोटा मोटा मुकाबला तो है नहीं, विश्व कप का सेमीफाइनल है, भारत विकेट की तलाश कर रहा है, बॉलिंग अच्छी हो रही है, बल्लेबाजों को खामोश रखा हुआ है, विकेट लग रहा था कि कभी भी मिल सकता है। ये बहुत बढ़िया गेंद अंदर की तरफ आई, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, सीम के सहारे कट होकर अंदर की तरफ आई, अपील की गई लेकिन ऊपर ज्यादा लगी ऐसा लग रहा था,
और चूंकि कुछ बचा भी नहीं है इसमें उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग रिव्यू सिस्टम, तो ओवर की समाप्ति 32 ओवर्स के बाद 121 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल फ्रॉम इंडियन ऑयल, द बेस्ट योर व्हीकल कैन गेट। अच्छा गाइस, टोटल बिल है 2000 रुपए और हम हैं 4, यानी 500 ईच। ये रहे मेरे 500। एक सेकंड रुकना, ये 500 ईच नहीं 450 ईच है। 450? वो कैसे? क्योंकि 200 रुपए सर्विस चार्ज है, जो पे करना इनकी मर्जी नहीं हमारी है। जी हाँ, सर्विस चार्ज कितना देना है ये रेस्टोरेंट या होटल पर नहीं बल्कि आप पर डिपेंड करता है। तो अगली बार बिल पेमेंट करते हुए इस चीज का ख्याल जरूर रखें, यदि आपकी मर्जी के खिलाफ रेस्टोरेंट या होटल सर्विस चार्ज वसूल करता है तो आप बिल सहित उपभोक्ता मंच में शिकायत कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। न्यूजीलैंड संघर्ष करके मैच में बना हुआ है, 121 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 32 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 18 ओवर्स का रोमांच इस पारी में बाकी है। 7-8 की औसत है फिलहाल, और जो गुड़िया कर रहे हैं कि शायद 267 के आसपास रन बन सकते हैं, क्योंकि विलियमसन और टेलर रहे तो 8 के ऊपर का औसत चाहिए अगर इतने रन बनाने हैं, लेकिन आसान नहीं है। ये धीरे से पुश किया नए ओवर की पहली गेंद को, विलियमसन ने एक रन लिया, उनको मालूम है टेलर जोखिम ले रहे, उनको ही जोखिम लेने दिया जाए। एक रन लेकर स्ट्राइक वापस दे रहे हैं टेलर को। टेलर पहुंचे अब 22 रन पर खेल रहे हैं और स्ट्राइक लेके, जबकि विलियमसन 58 रन पर पहुंच चुके, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम, एक कप्तान की पारी खेल रहे हैं। जडेजा बॉलिंग कर रहे हैं इस समय, 26 रन देकर 1 विकेट ले चुके हैं अब तक। विकेट की तलाश है भारतीय टीम को बड़ी बेकरारी के साथ और बड़ी बेसब्री के साथ। क्या जडेजा वो ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं? अगली गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और बैकफुट पर जाकर कट जरूर किया, लेकिन फील्डर बिल्कुल सही जगह पर तैनात है, शॉर्ट स्क्वायर थर्ड मैन पर, कोई रन नहीं है। 3 गेंदों पर केवल 1 रन दिया, एक स्लिप भी रखा गया क्योंकि उनकी गेंद स्पिन भी हो रही है, और ये गेंद आमर गेंद थी, मिडिल लेग स्टंप पर फिर से रोक कर खेला धीरे से, और बहुत ही बढ़िया खेल जो पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, बहुत ही दिलचस्पी के साथ देख रहा है। जगह जगह भारतीय तिरंगे झंडे लहराते हुए देखे जा रहे हैं, और इस बार ड्राइव की ऑन द राइट, लेकिन बहुत ही मुश्किल में पड़े क्योंकि गेंद ज्यादा स्पिन हुई, गेंद के पिच तक नहीं थे, बैट का बाहरी किनारा लगा लेकिन स्लिप के पास से निकल गई। और किसी तरह का जिसको कहते हैं कि संतोष वाला स्ट्रोक नहीं था, और नहीं इसमें वो दिख रहा था कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, तरीके से खेला वापस बॉलर की तरफ। बढ़िया ओवर की समाप्ति 33 ओवर्स के बाद, 122 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और ड्रिंक्स इंटरवल मैदान पर जा रहे हैं। इस ओवर के प्रायोजक सर्वो लुब्रिकेंट्स फ्रॉम इंडियन ऑयल, डाल दे इंजन में जान।